सो गाइज हेलो, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी लोग। अभी मैं नहा धो के आया हूँ। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, और बैक टाइम कुछ दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत पहले ख़राब हो गई थी, फिर कंटेंट नहीं मिल रहे थे, और क्लासेस का काम ज़्यादा हो रहा था, तो पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा हो रही थी, दैट्स वाई। तो आज थोड़ा सा मैं सोचा कि आज व्लॉग बना के डाला जाए। आज हम मोमोज बनाना सीखते हैं। मम्मी का आज मम्मी वाला व्लॉग है, तो मम्मी की हेल्प करते हुए साथ में तो करते हैं स्टार्ट। चलो राधे राधे, आज मैं आपको मोमोज बनाना सिखाऊंगी। और उसमें सबसे पहले बनाती स्पाइसी चटनी इसकी। सबसे पहले आप टमाटर लेंगे, और टमाटर में जी बीच में डंठल होता है ना, ये निकाल लेंगे, और डंठल निकाल कर टमाटर में कट लगा लेंगे। ये देखो मैंने नीचे कट लगा रखा है, और कट लगा के आप इसमें आधी किलो या जितनी भी आपको स्पाइसी चटनी बनानी हो आप उसके हिसाब से टमाटर ले सकते हैं। और टमाटर को इस तरह से काट के इसमें डाल लेंगे, और हम इसको उबालने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम इसमें पानी डालेंगे, पानी इतना डालें कि टमाटर के ऊपर रहे। ये देखिए ये ऊपर तक पानी है इसमें, और डाल देते हैं। और इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्चे हैं, इसके अंदर ही डाल देंगे जिससे ये फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। अब आगे हम सब्जी काटते हैं, सब्जी की तैयारी करते हैं काटने की मोमोस। तो गाइस अभी हम दोनों मम्मी और मैं और काफ़ी लोग हैं, तो वो दिखा नहीं सकता मैं आपको। तो अभी हम घिस रहे हैं क्या चीज़, ये पत्ता गोभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए पत्ता गोभी कस रखी है हमने, और ये प्याज है छिली भाई, प्याज भी इसमें कस ऐसी घिसनी है। और मम्मी ये बता प्याज है, ये लहसुन की कली है, ये जो छील रखी है हमने, और जो हमने पत्ता गोभी कस रखी ना, तो इसमें हमें प्याज भी कसनी है। और ये टमाटर है जो हमने उबाल लिए हैं, और हम इसके छिलक उतारेंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। हम दिखा दीजिए एक बार, तो दोस्तों मैं क्लास के पास आ चुका हूँ, फिर आपको पता ही है, और घर पे सम काम चल रहा है, दूसरे फोन से शूट हो रहा है, कैमरा तो है नहीं, फ़ोन से शूट कर रहे हैं अभी, और अभी क्लास लेते हैं और फिर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दें, चलते हैं, बाय। मैंने कढ़ाई ऑन कर दी, रख दी है इस पे गैस पे, और उसमें तेल डाल दिया है। आप रिफाइंड और या सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज चटनी बनाने के लिए। प्याज इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर जो हमने पेस्ट कर लिए थे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे।
ये कलर के लिए होती है और टेस्ट खट्टा खट्टा आएगा इससे थोड़ा सा। ये देखिए कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया है, सरसों वाला तेल डाला है। अब डालते हैं हम इसमें प्याज, पत्ता गोभी भूनेंगे हम इसमें। आप पत्ता गोभी के साथ साथ अपनी मर्जी से कुछ भी सब्जी ले, जैसे गाजर है और गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब ऐड कर सकते हैं। खाली हमने पत्ता गोभी डाली है मोमोज बनाने के लिए। और आप पनीर के भी बना सकते हैं इसमें मोमोज, पनीर भी के मोमोज ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी थी और इसमें हमने डाला हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर और मैगी मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून रहे हैं अच्छी तरह और थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे हम पत्ता गोभी। देखिए मैंने आटा गूंद लिया है मैदा का, इसमें बस पानी से ही गूंदना है और नमक वगैरह नहीं डालना है इसमें। और ये पत्ता गोभी जो हमने बना के रेडी कर ली है, तैयार हो चुकी है पूरी। और अब हम मोमोज बनाएंगे। देखिए मोमोज बनाने के लिए छोटी छोटी मैंने इतनी इतनी लोइयां बना के रख ली है। ये मोमोज बनाते हैं। ये देखिए मोमोज बन गया है। बोलो। और ऐसे ही और मोमोज बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे की तरफ। अभी हमने पतीला रख दिया है इसमें और इसमें हमने पानी चढ़ा दिया है। अब हम ये छन्नी है इसमें रिफाइंड लगाते हैं। देखो मैंने ये रख दी छन्नी में, अभी हम रखते हैं इसके ऊपर और हम इसको ढक देते हैं इससे। ये देखिए अभी धीमी धीमी आपके बन जाएगी। देखते हैं हमारे मोमोज पक गए हैं कि नहीं। ये देखिए हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं और हमने प्लेट में सर्व कर दिए हैं और हम देने जाते हैं खाने के लिए। सो लिटरली अमेजिंग, बहुत अच्छे दिख रहे हैं मोमोज खाने में, तो पता नहीं कैसे लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मोमोज कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये मोमोज बने हैं, काफ़ी बंटवारा हो चुका है अब इसका, सॉरी। ये मोमोज बने हैं, ये हैं थोड़े बहुत दीदी वगैरह ने जो जिन्होंने हेल्प की थी उनको दे दिए हैं नीचे वगैरह में, तो वो गए हैं। और ये भी एक टाइप के मोमोज का कुछ है, शायद ये चटनी है, हाँ ये चिली है। और ये एक मोमोज है, पता नहीं कौन सा वाले, और आटे वाले मोमोज भी हैं यहाँ पे कहीं, आटे वाले भी बनाए गए थे फ्राई कर, यही है हाँ, इसी के अंदर आटे वाले मोमोज हैं। ये भी टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसे लगे हैं। शायद इनके इसकी रेसिपी मम्मी ने बताई हो या ना बताई हो, आई डोंट नो। और ये भी आपको बना दिया होगा वीडियो में जैसा आपने देखा, अब मेरे को भी नहीं पता, मैंने वीडियो देखी नहीं है, अभी तो इतना ही था। सो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ या फिर बाद में।
और अब तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा सा व्लॉग लेट भी आ सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्लासेस वगैरह के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए बाय। गाइस लिटरली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मोमोज मैंने खाए हैं ना अभी, तो मैंने बॉयल मोमोज खाए थे मैदा वाले, बहुत टेस्टी थे, बहुत मज़ा आ गया, स्पाइसी भी बहुत थे, कहाँ कहाँ से धुआं निकला है बता नहीं सकता मैं। और अभी मैं आटे वाला खा रहा हूँ और उसका भी टेस्ट काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, आप भी ट्राई करें और मेरे को ट्राई करके बताएं, क्या कोई प्रॉब्लम आया तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टा पे, आई विल कॉल यू, मम्मी हेल्प कर देगी, दीदी भी कर देंगी थोड़ा सा बताने के लिए। ओके बाय। सो गाइज अभी तो मैंने देखा नहीं था शुरुआत का, वैसे काफ़ी टेस्टी बना था मोमोज, मैंने खाया बहुत अच्छा लगा, आप भी ट्राई करना और मेरे को सॉरी कमेंट करके मेरे को बताना कि कैसा बना, कैसे नहीं, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, आई विल कॉन्टेक्ट यू। और गाइज मैं आप सभी को बताना भूल गया था कि हमारा ना NGO स्टार्ट हो चुका है, आप में से किसी को भी ज्वाइन करना हो तो नीचे फॉर्म फिल कर लेना, और किसी को भी डोनेशन करनी हो, डोनेट करना हो कुछ पैसे वैसे इस NGO के लिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस वहाँ पे जाके आप किसी भी UPI और नेट बैंकिंग वगैरह कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर हमारे को भेज सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, और कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।